नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में आए पूरे 9 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इन 9 साल में रेलवे विभाग ने बहुत काम किया है। रेलवे विभाग में अभूतपूर्व बदलाव देखा गया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मजबूत रेलवे नेटवर्क के महत्व को स्वीकार करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। पैसेंजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए रेलवे के बुनियादी ढांचे पर भी फोकस किया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना तो मोदी सरकार के कार्यकाल में मील का पत्थर साबित हो रही है। यह हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे कि पश्चिमी डीएफसी और पूर्वी डीएफसी गुड्स को सही तरीके से ट्रांसपोर्ट करने और मौजूदा रेलवे लाइनों पर भीड़ को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये कॉरिडोर देश में गुड्स ढुलाई की निर्बाध आवाजाही को सुगम बनाकर अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रेलवे का बेड़ा गर्क कर देने का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लिखा है, अच्छी खासी चलती हुई रेलवे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। केजरीवाल ने आगे लिखा, आज एसी कोच का भी अगर आप रिजर्वेशन लेंगे तो आपको बैठने या सोने के लिए सीट नहीं मिलेगी। एसी और स्लीपर कोच जनरल से ज्यादा बदतर हो गए हैं। इन्हें सरकार चलानी ही नहीं आती, इन्हें समझ ही नहीं है। अनपढ़ सरकार है, हर क्षेत्र को बर्बाद कर रहे हैं। अपने ट्वीट के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा है कि जिससे रेल नहीं चलती वो देश कैसे चलाएगा। वहीं जब केजरीवाल ने इस तरह ट्वीट किया तो फिर लोगों ने भी केजरीवाल के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अंशुमान नाम के यूजर ने लिखा, सर जी एक बार शीश महल कैसे बनाया देश के आम आदमी को बता दो। सबका मन है शीश महल में रहने का। हर आम आदमी का सपना है अच्छे घर में रहने का। प्लीज उसका सीक्रेट बता दो। सोनाली नाम की यूजर ने लिखा, मुख्यमंत्री हो कुछ भी स्टेटमेंट देना शोभा नहीं देता। रेलवे की सुविधा में पिछले 9 साल में इतनी वृद्धि हुई है कि जनता को रेलवे का सफर सुखकर और जल्द महसूस होता है। कभी वंदे भारत में सफर कीजिए, समझ आ जाएगा। वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह सरन ने लिखा, भ्रष्टाचार में धरे जाने का भय आपके दिमाग पर चढ़ गया है, इसलिए ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो। आपको मनोचिकित्सक की सख्त जरूरत है। भवेश लोधा नाम की यूजर ने लिखा, बेड़ा गर्क तो केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी ने किया है। अरे याद आया, आप तो आम आदमी हो और आम आदमी को एसी की क्या जरूरत। चप्पल पैंट शर्ट पहनने वाला तो केजरू आजकल प्राइवेट जेट में घूम रहा है, तो उस पर तो जवाब दे दो। तो कुछ इस तरह से लोगों ने केजरीवाल के किए ट्वीट पर उन्हीं को खरी खोटी सुना दी। दरअसल अभी आप केजरीवाल का ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो वो ऐसे वीडियोस और फोटोज से भरा हुआ है जिसमें ट्रेन में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। 14 जून को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट को रिट्वीट किया था जिसमें एसी कोच में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। उस ट्वीट में यूजर ने लिखा था, मैं पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से 3rd एसी में यात्रा कर रहा हूं। ऐसा महसूस हो रहा है मैं जनरल कोच में हूं। लोग मेरी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इस तरह की सेवा देने के लिए बिहार के लोगों को सलाम और IRCTC को भी सलाम। इसी तरह के कई और ट्वीट को भी केजरीवाल अपने ट्विटर के माध्यम से साझा कर रेलवे की मौजूदा हालत दिखाने का प्रयास किया। वहीं केजरीवाल तो दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए भी केंद्र को निशाने पर लेते रहे हैं। दावा कर चुके हैं कि अगर आज दिल्ली की कानून व्यवस्था LG के बजाय आप सरकार के अधीन होती तो दिल्ली ज्यादा सुरक्षित होती। खैर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोई पहली शिकायत नहीं है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की RJD से जो नजदीकियां बढ़ रही हैं उसकी वानगी जरूर देखने को मिल रही है। जब केजरीवाल ने रेलवे पर सवाल उठाए, राष्ट्रीय जनता दल की हां में हां मिलाते हुए उनके ही ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें लिखा है, रेल के डिब्बों को आम आदमी के लिए यात्रा केंद्र बना दिया गया है। एसी स्लीपर या जनरल सभी की एक जैसी स्थिति है। लोग रिजर्वेशन होने के बाद भी बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। सब जानते हुए भी सरकार अतिरिक्त ट्रेनों या डिब्बों की व्यवस्था नहीं कर रही है। वैसे आपका मोदी सरकार के राज में ट्रेन का सफर किस तरह से बदला है? पिछली सरकार की तुलना में मोदी कार्यकाल में आपकी रेल यात्रा सुगम हुई है या फिर केजरीवाल या राष्ट्रीय जनता दल के मुताबिक बदतर हो गई है? आपकी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विचार पर क्या टिप्पणी है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।